नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर योगी, आपके मनपसंद चैनल योगी से आयुर्वेद पे आपका स्वागत करता हूँ। आपका बहुत प्यार मिलता है, आप सराहना देते हैं, आप हमारे चैनल को, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी करते हैं, कमेंट्स करते हैं, नए नए आइडियाज़ देते हैं कि हम लोग इस डिज़ीज़ पर बात करें, उस डिज़ीज़ पर बात करें। आज मैं एक जो एक कॉमन डिज़ीज़ है, प्रॉब्लम कह सकते हैं, उस विषय में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं सिस्ट, एब्डोमिनल सिस्ट। तो ये भी एक पार्ट ऑफ वेरिकोसील जो प्रॉब्लम है, टेस्टिकल जो स्क्रोटल एरिया है, यूरोजेनाइटल सिस्टम है हमारा मेल्स में, पेल्विक फ्लोर में। तो टेस्टिस हमारी एक बॉल होती है जिसमें स्पर्म पैदा होता है, तो जो स्पर्म प्रोडक्शन यूनिट है उसमें एक सिस्ट पैदा हो जाती है, एब्डोमस, जहाँ पे हमारा सीमन जो है स्पर्म बनता है। स्पर्म बन के जब यहाँ से जनरेट होके एब्डोमस से होके वास डिफरेंस से ये बाहर निकलता है। ये स्पर्म का हेड है, बॉडी है और ये टेल है। तो ये स्पर्म का जो प्रॉपर डायग्राम है, स्पर्म के साथ यहाँ से एब्डोमस जो सिस्ट है, यहाँ जब रसौली आपकी बन जाती है, ये रसौली बनने के जो कारण है, मुख्य कारण हमारा जो है अनपच, कब्ज़ रहना, इंडाइजेशन, बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा होने, एक्सरसाइज, वॉक, रनिंग कुछ ना होना, या बहुत ज़्यादा एक्जर्शन, ओवर एक्सरसाइजेस करना, लेग प्रेस लगा लेना, जिमिंग में हैवी लेग्स वीक रहना, पतली टांगे होकर भी ज़्यादा समर्था से काम कर लेना, पैरों भार ज़्यादा बैठना। तो ये छोटी छोटी दिक्कतें हैं, उसके कारण हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है, टेस्टिकल पर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। तो वो बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं वो कहीं ना कहीं बॉडी में रिटेन होते हैं, रिटेन होकर ये एक सिस्ट का रूप ले लेते हैं। इसको हम लोग आयुर्वेद में ग्रंथि कहते हैं। तो ग्रंथि है ये जो हमारे कफ दोष और वात दोष से पैदा होते हैं। अगर रेडनेस और हीट आ जाती है साथ में, तो ये पित्त दोष साथ में इन्वॉल्व हो जाता है। कईयों में, जैसे बॉडी में कईयों के टेस्टिकल में बहुत ज़्यादा हीट रहती है, कईयों में जो एब्डोमिनल सिस्ट है उसका जो नॉर्मल साइज़ हमने पेशेंट्स में जो स्टडी करे हैं, वो 2.5-3 mm से लेके 4, 4.5-5 mm तक भी सिस्ट देखने को मिलती है। कईयों में थोड़ा एक्सटेंड हो जाए तो अप टू 8 mm भी सिस्ट देखने को मिलती है। इनिशियल स्टेजेस में इसकी सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर पेशेंट का केस बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है, या पेशेंट 10-15 साल से केयर नहीं करता जा रहा, दिनों दिन साल 2 साल में सिस्ट थोड़ी थोड़ी आधा आधा 1-1 mm करके बढ़ रही है, तो पेशेंट को अगर पेन भी ज़्यादा रहता है, डिस्कम्फर्ट रहना शुरू हो जाता है, दर्द रहेगा, वो चीज़ें दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये रहता है कि धीरे धीरे ये स्पर्म वेरिकोसील की तरह खाना शुरू कर लेता है। तो इसमें आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये दिक्कतें आ रही हैं, आप अपने किसी आसपास नियर स्कैनिंग सेंटर में आप अपना स्कैनिंग करा लीजिए। कलर डॉपलर होता है, कलर डॉपलर जो आपका होगा, ध्यान रख के चलिएगा, स्टैंडिंग रहेगा। रिक्वेस्ट करिएगा डॉक्टर से, या आप हमारे क्लिनिक से ऑनलाइन कंसल्टेशन पे करने के बाद हमसे आप प्रिस्क्रिप्शन मंगवा लीजिए। प्रिस्क्रिप्शन जो है आप जो वहाँ डॉक्टर को दिखा दीजिए, उस प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से डॉक्टर आपका ऑन रिक्वेस्ट पर स्टैंडिंग जो है कलर डॉपलर आपका करेंगे, जिससे बॉल्स के आपकी हैंगिंग, जो आपकी प्रॉब्लम है सेस्ट वाला, अगर आपको वेरिकोसील भी, उसके भी सही ग्रेड्स आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, जो सुपाइन पोजीशन में हम लोग स्कैनिंग कराते हैं, वो पोजीशंस में स्कैनिंग सही जनरेटली नहीं आती है। तो आप ये स्कैनिंग करवा के आप हमें रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। इसमें परहेज वही रहेंगे कॉमनली जो मैंने तकरीबन बताया है, कच्चा प्याज, कच्ची हरी मिर्ची, नॉनवेज ड्रिंक बंद रखिएगा, लंगोट पहनी है, गर्म तासीर की चीज़ कोई भी नहीं खानी है, पाँव लटका के नहीं बैठने हैं, हैवी व्हीकल नहीं ड्राइव करना है, बाइक जैसे बुलेट हो गया, तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, जंप ज़्यादा नहीं लेने हैं, लेग्स की एक्सरसाइजेज नहीं करनी है। इन चीज़ों का आप परहेज रखिए, और अपने जैसे स्टीम हो गया, सोना बाथ हो गया, ऐसे गर्म या टब बाथ, गर्म पानी वाले टब बाथ हो गए, इन चीज़ों को आप लोग अवॉइड करें। सादा खाना खाएं, पेट ज़्यादा से ज़्यादा साफ रखें, कब्जी से अपने आप को दूर रखें, और हल्कापन आपके शरीर में रहना चाहिए। जब आपका शरीर भारी होने लग गया, तो आप समझ के चलिए आपकी बॉडी में जो आम दोष है उसकी वृद्धि शुरू हो गई है। बॉडी जितनी आपकी ईजी, कूल और लाइट वेट रहेगी, और आप जितना हल्कापन बॉडी में महसूस करते हैं, जब तक भारीपन बॉडी में नहीं आए, तो आयुर्वेद की दृष्टि से आपके शरीर में आम दोष की वृद्धि नहीं हो रही है। तो जब आम दोष की वृद्धि होगी, तो बॉडी में टॉक्सिन्स होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, तो ये प्रॉब्लम भी एब्डोमिनल उसी के बीच में है। अगली बार आपको नए विषय पर जानकारी देंगे। किसी भी तरह की और भी कोई अगर प्रॉब्लम हो, तो हमारे आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप करिए, हमारे असिस्टेंट हैं, आपसे जल्द से जल्द आपसे कॉन्टैक्ट करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।